नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा जगत की खबरों की। तो आज की बड़ी खबर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग जल्द होने जा रही है। नए साल में नियोजित शिक्षकों का मिलेगा पोस्टिंग का सौगात और बीपीएससी से बाहर शिक्षकों को मिलेगा ट्रांसफर की सौगात। आपको बता दें कि 75 पास बीपीएससी शिक्षकों का तबादला का इंतजार, पोस्टिंग का इंतजार खत्म हो गया है। 7 नवंबर से शुरू होने जा रही है ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया और मिलेगा 15 दिनों का आवेदन करने का मौका और यह डेडलाइन जो है 20 नवंबर तक तय की गई है। अप्लाई करने की प्रक्रिया होगी, 31 दिसंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और 1 जनवरी से सभी शिक्षक जो हैं अपने नए स्कूल में योगदान कर लेंगे। वहीं बीपीएससी के नए और पुराने और सक्षमता पास शिक्षक एक साथ करेंगे अप्लाई यानी कि आवेदन देंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इसमें दिव्यांग, महिला और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को काफी प्रिफरेंस मिलेगा। पंचायतों का चयन करना होगा, लेकिन वहीं पुरुष शिक्षकों को ऑप्शन के रूप में 10 अनुमंडल चयन करने होंगे। महिलाओं को 10 पंचायत चयन करना होगा जहां वो चाहते हैं। वहीं बता दें कि बीते दिन जो है बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी वकालत की है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक वेस्ट हैं, अच्छे हैं, नॉलेज हैं और अच्छा कुछ करते भी। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पहुंच जाते हैं और शिक्षकों से बहुत सवाल करने लगते हैं। कभी वह जाकर प्राइवेट स्कूल में तो देखें जहां टाई और बेल्ट लगा कर शिक्षक कराते हैं, जिन्हें कभी कोई परीक्षा देना ही नहीं पड़ता है, केवल गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग की ही बातें स्कूल में सिखाई जाती है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमारे जो शिक्षक हैं वो बीपीएससी से बहाल हैं, बीपीएससी फेस किए हैं और बहुत सारे शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा फेस किए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में इन तमाम चीज को नहीं देखा जाता है। तो वैसे शिक्षकों का भी यूट्यूबर जो है इस चीज को दिखाएं और मीडिया से भी उन्होंने उम्मीद जताई है कि ऐसा वे करें। वहीं हम आपको बता दें कि शिक्षकों को बहुत जल्द पोस्टिंग का यह सौगात मिलेगा, छठ पूजा बाद काफी खुशहाली महसूस करेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि इस शिक्षा कोर्स पर बच्चों के ऑनलाइन अटेंडेंस पर भी बात चलने लगी है, जिस पर एस सिद्धार्थ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ट्रायल करवा लिया है, विद्यालयों में टैब दिया जाएगा, उसी पर बच्चों का ऑनलाइन फेस अटेंडेंस बनेगा। सॉफ्टवेयर अपने आप बच्चों के फेस को ओरिजिनल फेस से मिलान कर लेगा। बच्चा का अटेंडेंस बनने के बाद शाम को इस शिक्षा कोर्स पर सर्वर पर एक्टिविटी कम होगी, तब वे रात भर में बच्चों का ओरिजिनल फेस से मिलान करके नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे टेबल पर रिपोर्ट आ जाएगी। उसे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों की हाजिरी गलत बनी है या कौन 20 के बदले 50 बच्चों का हाजिरी रिपोर्ट कर दिया है। हमें व्यवस्था जनवरी या कुछ दिक्कत हुआ तो फरवरी से लागू करने जा रहे हैं। इसको लेकर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करने की बातें उन्होंने कही है। वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ संवाद करेगी अब पुलिस। अब यह शिक्षा विभाग यह प्लानिंग कर रही है कि बच्चों को पुलिसिंग के कार्य और कानूनी व्यवस्था को जानकारी को लेकर अब पुलिस जो है अपने थाने के नजदीक स्कूलों में वह बच्चों से जाकर स्कूलों में संवाद करेगी और कानूनी व्यवस्था को बताएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है डीजीपी के पास पत्र लिख रही है, उन्हें जानकारी भेज रही है। जल्द ही इसके बारे में डीजीपी को ये तमाम चीजें होगी और सहमति मिलने पर इसकी काट की शुरुआत भी कर दी जाएगी। इधर औरंगाबाद से एक बड़ी खबर आई है कि 92 ट्रेंड शिक्षकों की नौकरी पर खतरा हो गया है। नामांकन में अर्हता पूरा नहीं करने का मामला बताया जा रहा है। 3 दिनों में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। योग्यता विद्यालय अध्यापक के लिए समुचित नहीं है, डीपीओ ने कहा है। आपको खबर को विस्तार से बता दें कि औरंगाबाद जिले के 11 प्रखंडों में क्लोजिंग करें और हम आपको बता दें कि क्लोजिंग से क्या है कि एनआईओएस से प्रशिक्षित से लेकर बीपीएससी शिक्षक बहाली 1 के तहत विद्यालयों में बहाल 92 शिक्षकों के नौकरी पर संशय के बादल मंडराए हैं। इन सभी पर एनआईओएस से प्रशिक्षण के नामांकन में ही
गड़बड़ी करने का संशय व्यक्त किया गया है। इन सभी शिक्षकों से जिला शिक्षा कार्यालय में कार्यालय ने 30 अक्टूबर तक स्पष्टीकरण मांग किया गया था। तो अब इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है आने वाला वक्त बताएगा, फिलहाल शिक्षकों पर निशाना है। वहीं आपको बता दें सक्षमता नॉट फाउंड वाले शिक्षकों का आवेदन शुरू हो गया है। सक्षमता परीक्षा पास प्रथम वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनकी काउंसलिंग के दौरान आवेदन नॉट फाउंड में चला गया था उनकी काउंसलिंग फिर से की जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी विभिन्न कारणों से नॉट फाउंड में चले गए शिक्षक अभ्यर्थियों का आवेदन लेना शुरू भी कर दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। गोपाल और हितकर टॉपर बने हैं। बीपीएससी की ओर से बीते शुक्रवार को प्रधान शिक्षक और हेड मास्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। आप भी जान चुके हैं हेड मास्टर के पद 5971 और हेड टीचर के पद पर 36947 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें प्रधान शिक्षक के पद पर गोपाल ठाकुर और हेड मास्टर के पद पर हितकर कुमार सिंह को टॉप किया गया है। इस पर काफी कमेंट भी आ रहे हैं, हितकर कुमार को लोग हिटलर कुमार भी कह रहे हैं। यूडाइस पर स्कूलों की जानकारी देने में बिहार सबसे पीछे। स्कूलों को एक प्लेटफॉर्म लाना है, जिले में विभिन्न जिलों की अपडेट मांगी गई है और इस पर जल्द कार्य पूरा करने का आदेश भी दिया गया है। वहीं मानकों का पालन नहीं करने पर 433 निजी स्कूलों की संभवता रद्द। 1816 निजी स्कूलों ने किया था आवेदन, जांच के बाद हुई है बड़ी कार्रवाई, निजी विद्यालयों पर भी कार्रवाई जारी है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि प्रधान शिक्षक के लिए EWS से अधिक रहा SC का कट ऑफ की बातें सामने आई है। किसी को मिला खुशी तो किसी को मिला गम, लेकिन स्कूलों का शनिवार के दिन काफी अलग रहा। विभिन्न स्कूलों से यह खबर आ रही थी कि स्कूलों में बीपीएससी से जो प्रधान शिक्षक और हेड टीचर को लेकर यानी कि प्रधानाध्यापक को लेकर जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट जारी किया गया और शिक्षक एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते खुशियां मनाते नजर आए। बहुत खुशनुमा माहौल बिहार के स्कूलों से देखने के लिए खबरें निकल कर आ रही थी। इधर मूल नियोजन पत्र मांगने से संकट में सैकड़ों शिक्षक है। सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग में मूल पत्र मांगने से शिक्षक जो है खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं। नियोजन के समय एक पत्र पर दर्जनों शिक्षकों का नाम डाल मिली थी फोटोकॉपी। मूल प्रमाण पत्र नहीं देने वालों की सूची में डाला गया ऐसे शिक्षकों के नाम। तो इस तरह से बातें सामने आई है। पहले तो यह होता था कि एक ही सूची पर सबके नाम दे दिया जाता था। हेडमास्टर प्रधान शिक्षक परीक्षा में 42921 उत्तीर्ण हुए हैं और दीपावली को लेकर इनमें काफी खुशी मिली है। बीपीएससी ने दीपावली के अगले दिन ही जारी कर दिया है और बहुत खुशनुमा माहौल बिहार में देखने के लिए मिला है। तो नई कमान के साथ वो तैयार हो रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। तो अब शिक्षकों की खुशियां और बता दें कि प्रधान शिक्षक की जल्द पोस्टिंग स्कूलों में की जाने वाली है। इसको लेकर शिक्षा विभाग बिल्कुल तैयारी अब तेज कर दी है। तो आपको यहीं पर छोड़े जाते हैं और आपको हम बता दें कि शिक्षकों के तमाम चीजों का लेकर तिथि तय कर दिया गया है और जल्द ही इसको लेकर तमाम चीजों को आपके बीच सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सस्पेंस चल रहा है अभी कि क्या जो पुरुष शिक्षक है उनको 10 अनुमंडल देना ही होगा या उसमें कुछ रियायत मिलेगी। तो हम बता दें इसमें भी काफी बातें चल रही है। ACS ने कई मीडिया को भी बयान दिया है कि 10 अनुमंडल मिलेंगे, फिर भी संशोधन की उम्मीद जताई जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।